Okay, let us discuss the question number 4. What is the question? It says, which of the following correctly depicts reflection? इसका मतलब आपके सामने चार अलग अलग तरह के डायग्राम दिए हैं, जहां पे दो मिरर लगे हैं, उनसे कुछ एक लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको ये बताना है कि कौन से मिरर में रिफ्लेक्शन, कौन से ऑप्शन में रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही सही बताया गया है। अब इसका क्या मतलब कि रिफ्लेक्शन सही सही बताया गया है? इट मीन्स हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। कौन से लॉ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन, एंड सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम ये देख सकते हैं, अगर चारों डायग्राम्स में हम देखें तो यहां पे दिस इज द इंसिडेंस रे, दिस इज द नॉर्मल रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो ये तीनों एक ही प्लेन में लाए कर रही हैं। इट मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ तो फॉलो होता है। सेकेंड में देखें, सेकेंड ऑप्शन में दिस इज द इंसिडेंस रे, दिस वॉज द इंसिडेंस रे, देन दिस इज द नॉर्मल रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो यहां पे भी इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो यहां पे भी पहला लॉ फॉलो होता है। अब देखते हैं क्या सी ऑप्शन में होता है। सो दिस इज द इंसिडेंस रे, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अगेन यहां पे भी तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं। सो इट मींस यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ तो फॉलो होता है। देन इन डी ऑप्शन, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, देन दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो आई कैन से कि डी ऑप्शन में भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब डी ऑप्शन में भी पहला लॉ तो फॉलो होता है। नाउ अब क्या चेक करना है? नाउ वी नीड टू चेक द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डायग्राम, द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि हमें यहां पे दिया हुआ है दिस रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द मिरर। इस मिरर के साथ ये 50 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। नाउ अगर मैं बात करूं इस एंगल की, दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल। सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल? नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा उसका मेजर कितना होगा? दिस कंप्लीट इज 90 डिग्री, सो 90 में से ये 50 माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट 40 डिग्री। सो इट मींस यहां पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है 40 डिग्री। चलिए चेक करते हैं कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम 40 डिग्री आ रहा है। वो कैसे चेक करेंगे? यू कैन सी यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिस वन। इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इट मींस ये अंदर वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहती है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। सो लेट अस से दिस एंगल इज एक्स, सो कैन आई राइट 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो व्हाट इज 90 प्लस 40? 90 प्लस 40 इज 130 एंड यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, therefore x is equals to
What is 180 minus 130? It is 50 degree. So it is 50 degree. It means your angle x is equals to 50 degree. एंगल एक्स वह एंगल है जो इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंस रे इस मिरर के साथ फॉर्म कर रही है. बट क्या यही एंगल ये नॉर्मल के साथ भी फॉर्म कर रही है? ऑब्वियसली नॉट. हम देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल, दिस वन, दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री. सो इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री देन व्हाट इज दिस एंगल? यह एंगल भी 90 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो हम देख सकते हैं यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 फॉलो हो रहा है. लाइट जो इंसिडेंस हो रही है और जो लाइट रिफ्लेक्टेड है वह दोनों नॉर्मल के साथ बिल्कुल सेम एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज 40 डिग्री. सो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन में तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बट इट डजंट मीन कि हम अगले तीन ऑप्शन छोड़ दें, हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट अस सी. सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं दिस एंगल इज 70, दिस एंगल इज 40. कैन वी कैलकुलेट दिस एंगल? यस. हाउ? अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो आई विल राइट, लेट अस सी, दिस इज एक्स. सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 70 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ व्हाट इज 70 प्लस 40? इट इज 110. सो आई विल राइट एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 एंड दिस इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो वी विल गेट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. नाउ अगेन जैसा हमने यहां पे नॉर्मल के साथ ही एंगल को कंसिडर किया, उसी तरह से यहां पे भी नॉर्मल के साथ एंगल को कंसिडर करेंगे. हम देख सकते हैं इंसिडेंस रे मिरर के साथ 70 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. देन अगर ये पूरे एंगल को कंसिडर करें, सो दिस होल एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज 70 डिग्री. सो बचा हुआ पार्ट इज 90 माइनस 70. 90 माइनस 70 इज हाउ मच? इट इज 20 डिग्री. सो हम देख सकते हैं जो इंसिडेंस रे है वह नॉर्मल के साथ 20 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वह नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. इट मीन्स यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है. तो ये ऑप्शन क्रॉस, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट डजेंट डिपिक्ट द रिफ्लेक्शन करेक्टली. ये सही तरह से रिफ्लेक्शन को नहीं बता रहा. देन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में देखते हैं, चेक करते हैं इसको भी. यहां पे क्या होगा? दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड हाउ मच विल बी दिस एंगल? सॉरी, दिस एंगल इज नॉट 80 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री. नाउ इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल ये कितना हो जाएगा? हम देख सकते हैं यहां पे एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, कुछ इस तरह से एक लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर मींस दोनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. सो यहां पे हम देख सकते हैं इस एंगल का सम, सॉरी दिस एंगल इज 120 डिग्री. सो रिमेनिंग एंगल विल बी 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री. हम देख सकते हैं यह एंगल हमें दिखाई देगा 60 डिग्री का. नाउ इफ दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 40 डिग्री, अगेन वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. लेट अस से दिस एंगल इज x, सो आई कैन से 60 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल्स टू
180 degree. Now x will be equals to 80 degree. कैसे? 60 and 40 is 100. So 100 को मैं वहां ले जाऊंगा equation के. So 180 में से 100 minus हो जाएगा and you will get 80 degrees. Now it means ये angle form हो रहा है 80 degrees का. ये वह angle है जो incidence ray mirror के साथ form करती है. If this angle is 80 degree, can I calculate this angle? Yes. कैसे? ये पूरा एंगल इज 90 डिग्री, जैसा हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऑप्शन ए में देखा. ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें से इतना पार्ट 80 डिग्रीज है. सो रिमेनिंग पार्ट इज 90 माइनस 80, सो यू विल गेट 10 डिग्री. मींस ये रिमेनिंग पार्ट 10 डिग्री का है. व्हाट इज 10 डिग्री? 10 डिग्री वह एंगल है जो इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है. इट मींस 10 डिग्री इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ कैन आई कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यस. हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ कुछ 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. अगर ये पूरे एंगल को कंसिडर करें, सो दिस होल एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें से इतना पार्ट इज 40 डिग्री. सो रिमेनिंग पार्ट विल बी 90 माइनस 40, सो यू विल गेट 50 डिग्रीज. सो यहां पे हम देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. बट क्या ये सही है? क्या यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है? नो. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे हम देख सकते हैं 10 डिग्री आ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 50 डिग्री. इट मींस ये ऑप्शन भी गलत है. यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 फॉलो नहीं हो रहा, 1 जरूर फॉलो हो रहा है. ओके, सो सी ऑप्शन इज रॉन्ग. देन लेट अस चेक द डी ऑप्शन. इन डी ऑप्शन यू कैन सी दिस एंगल इज गिवन एज 85 डिग्रीज. This angle is given as 85 degrees. Now, in this triangle, let us say this angle is x. Up 40 plus 85 plus x is equals to 180 degree. ये क्या है? This is the angle sum property of a triangle. Now, what is 40 plus 85? 40 plus 85 is 80 and 40 is 120 and 5 is 125. So I will say x is equals to 180 minus 125. So what is x? X is equals to 180 minus 125 means 180 में से पहले आप 120 subtract करें, so it will be 60 and 60 में से 5 subtract करें, so you will get 55. So x is equals to 55 degrees. It means ये angle 55 degrees का form होता है. Now this is what, this is the angle between incidence ray and mirror. Mirror 2 के साथ जो angle of incidence बनाया है इस ray ने, this is this angle. Now can I calculate actual angle of incidence? That is between the normal and the incidence ray. हम देख सकते हैं this complete angle is 90 degree. And this angle is 55 degree. So remaining angle will be 90 minus 55. And what is 90 minus 55? When you subtract 50 from 90, आपके पास बचेगा 40. And 40 में से फिर 5 और घटा देंगे, तो it will be 35. So it means यहाँ पे angle of incidence आ रहा है 35 degrees. So हम यहाँ देख सकते हैं कि angle of incidence is 35 degree and angle of reflection is 45 degree. It is given, already given. So here also angle of incidence is not equal to angle of reflection. It means यहां पे भी law of reflection 2 follow नहीं होता. It means this also is wrong. So correct answer is option A. It is depicting correctly. Now you can note this down.
Okay, let us discuss the question number 5. Please read the question very carefully. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle theta. If the angle between the incident and reflected rays is 80 degrees, what is the value of theta? It means एक light ray किसी एक mirror पे, किसी एक plane mirror पे कुछ theta degree के angle पे incident हुई. So let us draw this. This is our plane mirror. Let us say कि AP is the incident ray. AP एक ray है जो कि एक plane mirror पे incident हुई at an angle of theta. So AP is the incident ray, P is the point of incidence, and here we can draw normal. Something like this. This is P. And this angle is given as theta. Now, अब जब भी एक light ray किसी plane mirror पे या किसी भी चीज पे incident होगी तो वह angle of law of reflection को follow करते हुए reflect होगी. So इस तरह से यहां पे भी जो ये light ray reflect होगी, let's say this is B. So AP is the incidence ray and PB is the reflected ray. So it means PB जो light reflect होगी, जो light रिफ्लेक्ट हो रही है वह लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी दैट एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू थीटा. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू. नाउ व्हाट ही इज सेइंग, क्वेश्चन में दिया गया है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल, This is incident ray and this is reflected ray. इनके बीच में जो angle form हुआ है वह 80 degrees है. So can I say the angle between incident ray and reflected ray is theta plus theta, that is 2 theta. The angle between incident and reflected ray is 2 theta. यहाँ पे हम देख सकते हैं this is theta and this is theta. So this angle is given as 80 degrees. So यहां से हम सॉल्व करेंगे, so we will get theta is equals to 40 degrees. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद रखा, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन करवाया एंड जस्ट गिवन कंडीशंस को पुट करके सॉल्व किया. सो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें यह याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बिल्कुल क्लियर हम माइंड में रखें. अगर वो समझ में नहीं आया तो प्लीज चेक दैट वीडियो अगेन, उस वीडियो को फिर से देखें, उसको फिर से समझें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें याद नहीं है तो हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं या हो सकता है हम सॉल्व ही ना कर पाए. सो प्लीज रिमेंबर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नोट दिस डाउन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 40. Okay, let us discuss the last question, that is the question number 6. Question says, which of the following correctly depicts reflection? जैसा हमने एक question पहले किया था कि reflection कहाँ पे सही हो रहा था, वहाँ पे हमें check करना था, that is by following the law of reflection. Now, यहाँ पे law of reflection की जगह हमें plane mirror को समझना है. हमें यह देखना है कि एक प्लेन मिरर में इमेज किस तरह से बनती है. हमने ये चीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया है. सो वी जस्ट नीड टू चेक कि कौन से डायग्राम में, कौन से ऑप्शन में इमेज करेक्टली फॉर्म हुई है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्शन वन. ऑप्शन वन सेज कि यहाँ पे एक स्क्वायर में एक स्टार है, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है एंड एक ट्राइंगल है.
एक मिरर लगाया बीच में एंड उसकी ये इमेज एक फॉर्म हुई। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इमेज फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी। हम देख सकते हैं कि इमेज जो होगी वो इसकी एक लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये इस तरह से रखा है, ये घूम के इस तरह से आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में सर्कल मिरर के क्लोज है और स्टार मिरर से दूर है। बट अगर हम इमेज को देखें तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे भी सर्कल मिरर के क्लोज होना चाहिए और स्टार जो है वो मिरर के दूर होना चाहिए, मिरर से दूर होना चाहिए। बट यहां में हम देख सकते हैं कि स्टार जो है वो मिरर के पास आ गया है लेकिन सर्कल मिरर से दूर चला गया है। सो इट मींस दिस इज नॉट करेक्ट। यहां पे एक इमेज फॉर्मेशन करेक्टली नहीं हुआ है क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सर्कल को यहां आना है और स्टार को यहां आना है। देन सिमिलरली नीचे भी देखे तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यही का फिगर, दिस फिगर इज कॉपीड हियर। लेकिन जो इमेज फॉर्म होता है दैट शुड बी लेटरली इन्वर्टेड, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ। सो इट मींस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इट डजंट डिपेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज दैट इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर करेक्टली। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी सेज यहां पे एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप बना है, देन एक स्टार है, देन एक ट्राइंगल है, देन एक आई है। सो मिरर के सबसे क्लोज कौन से फिगर्स हैं? स्टार एंड आई। सो इट मींस इमेज में भी मिरर के सबसे क्लोज स्टार एंड आई को होना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं यहां पे स्टार तो जरूर है लेकिन आई की जगह एक ट्राइंगल है। सो इट मींस यहां पे भी जो मिरर दिख रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो करेक्टली नहीं बना है। सो इट मींस ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। सिमिलरली इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में इस मिरर के सबसे क्लोज कौन है? दिस रेक्टेंगल एंड दिस स्टार। तो जो मिरर के सबसे क्लोज होगा उसकी इमेज भी सबसे क्लोज होगी, जो इमेज जो मिरर से दूर होगा उसकी इमेज भी दूर होगी। सो इट मींस इस मिरर के सबसे क्लोज दिस रेक्टेंगल एंड दिस स्टार। तो क्या इमेज में भी रेक्टेंगल और स्टार मिरर के सबसे क्लोज है? नो, वी कैन सी स्टार जरूर क्लोज है लेकिन यहां पे रेक्टेंगल की जगह ट्राइंगल आ गया। सो इट मींस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। देन लेट अस चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिस रेक्टेंगल एंड सर्कल आर क्लोज टू द मिरर। सबसे करीब कौन से हैं? रेक्टेंगल और सर्कल। क्या इमेज में भी रेक्टेंगल और सर्कल सबसे करीब पे हैं? हाँ, हम देख सकते हैं बिल्कुल। दिस इज रेक्टेंगल की दूरी उतनी ही है जितनी की रेक्टेंगल की इमेज की है, सर्कल के लिए भी सेम है। देन पीछे वाले दो, दैट इज दिस जेड एंड दिस ट्राइंगल। क्या जेड और ट्राइंगल की दूरी, जेड और ट्राइंगल की दूरी इमेज में और ऑब्जेक्ट में बिल्कुल सेम है? जैसे ये जेड है, इसका इमेज सॉरी इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या यहां पर भी इमेज डिस्टेंस सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, हम देख सकते हैं। ट्राइंगल एग्जैक्टली ट्राइंगल के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ट्राइंगल का डिस्टेंस जो मिरर से है वही डिस्टेंस ट्राइंगल की इमेज का भी है। बट अगर जेड को ध्यान से देखें तो जेड अगर इस तरह से है तो इमेज होने के बाद ये लेटरली इन्वर्ट हो जाना चाहिए। इन्वर्ट मतलब ये इस तरह से घूम जाना चाहिए, ऐसा, इट इज लाइक दिस। लेकिन यहां पे बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही जेड दिख रहा है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन हमें दिखाई नहीं दे रहा। जेड किस तरह से हो जाएगा? इफ दिस इज जेड देन मिरर में होने के बाद इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। हम देख सकते हैं बट यहां पे z एज इट इज कॉपी हो गया है। सो इट मींस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि ये भी रिफ्लेक्शन को प्रॉपरली शो नहीं कर रहा। देन ऑप्शन ई, ऑप्शन ई में चेक करें तो स्टार एंड ट्राइंगल इनका डिस्टेंस मिरर से इमेज और ऑब्जेक्ट के केस में दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं मिरर से स्टार और ट्राइंगल कुछ इतनी दूरी पे है, दिस वन, और इमेज भी इनकी इतनी ही दूरी पे है। यस इट इज करेक्ट। लेकिन बाद वाले अगर दो को देखें तो जेड एंड दिस रेक्टेंगल, जेड एंड रेक्टेंगल की दूरी जितनी मिरर से है उतनी ही उनकी इमेज की दूरी भी है। ओके ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। लेकिन क्या जेड यहां पे लेटरली इन्वर्ट हुआ? क्योंकि रेक्टेंगल जब लेटरली इन्वर्ट होगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि रेक्टेंगल इज अ सिमेट्रिकल फिगर।
अगर मैं इसको इन्वर्ट भी कर दूं तो आप देख सकते हो दिस फिगर एंड दिस फिगर आर ऑलमोस्ट सेम, इन्वर्ट करने के बाद भी ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा। जैसे कि एक सर्कल को अगर मैं घुमा दूं, जैसे हमने क्लॉक वाले क्वेश्चन में देखा था, अब क्लॉक को घुमा दो तो सर्कल सर्कल ही दिखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि सर्कल को इन्वर्ट करने से वो ट्राइंगल फॉर्म हो जाए। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जेड और दिस रेक्टेंगल ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, जितना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है। क्या जेड में लेटरल इन्वर्शन हो रहा है? हाँ, यहां से देख सकते हैं, यू कैन सी दिस, यहां पे हम देख सकते हैं दिस जेड इज लाइक दिस, तो इट मीन्स यहां पे लेटरल इन्वर्शन जरूर हो रहा है। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे पूरी तरह से रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन शो किया गया है। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ई। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन, और यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर्स के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे और दूसरे तरह के मिरर्स। देन थैंक यू।